सर ये सॉफ्ट हॉकी का जो कॉन्सेप्ट आप लेकर गए हैं किस तरह का है और क्या खास बात है इसकी, पूरे देश में दुनिया में किस तरह से खेला जा रहा है? सर मैं सबसे पहले तो आज राष्ट्रीय सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप जो राजस्थान सॉफ्टबॉल हॉकी चैंपियनशिप का इसकी बात की बधाई दूंगा कि देश के कोने कोने से यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर जो खिलाड़ी पहुँचे हैं। निश्चित रूप से सॉफ्ट हॉकी का जो भविष्य है वो बहुत ही बेहतरीन और सुनहरा है क्योंकि इस खेल के अंदर जो इंजरी है वो दूसरी हॉकी से बहुत ही कम है और जहाँ तक स्पीड की बात हुई इससे ट्रिपल टाइम स्पीड इसके अंदर रहती है। हम जैसे हमने कबड्डी को शुरुआत की देश में आईपीएल क्रिकेट के चलता है उसी पैनल्स के ऊपर हम एक रोजगार मुखी प्रोग्राम हमारे देश के खिलाड़ियों को मिल पाए, शिक्षा के साथ साथ खेल कितना क्यों जरूरी है और खेल के माध्यम से वो अपने माँ बाप का और अपने आर्थिक स्थिति को हालात को कैसे मजबूत कर सकते हैं, सॉफ्ट हॉकी उसका एक प्रारूप है। हमने सॉफ्ट हॉकी के लिए आने वाले निकट भविष्य के अंदर एक लीग हिंदुस्तान के अंदर हम शुरू करने जा रहे हैं जो आपके टीवी के माध्यम से हमने लगभग फाइनलाइज किया है और निश्चित रूप से देश की 12 टीमों के माध्यम से हम इस सॉफ्ट हॉकी को लीग के माध्यम से यहाँ प्रसारित कर पाएँ और देश के उन सभी खिलाड़ियों को जो दूसरे खेल को भी खेल के साथ जोड़ते हैं एक फिटनेस के माध्यम से सॉफ्ट हॉकी के साथ भी जोड़ पाएँ और पूरे देश को समाज को एक मैसेज मिले कि किसी खेल के माध्यम से देश के स्वास्थ्य को और सुदृढ़ किस प्रकार से किया जा सकता है, ये सॉफ्ट हॉकी का अपना एक पूरा मकसद और लक्ष्य है। यहाँ सर खेल परिषद से भी रजिस्टर कराने की कोशिश होगी? हाँ निश्चित रूप से, क्योंकि मैंने अभी हरियाणा गवर्नमेंट से हमारा ये रजिस्टर्ड हो चुका है, मैसेज दानिश विद्यालय रोहतक इसको अडॉप्ट कर चुका है और निश्चित रूप से अगले आने वाली मीटिंग के अंदर क्योंकि देश का सीनियर डायरेक्टर स्पोर्ट्स हो तो हम निश्चित रूप से अपना प्रस्ताव अपना ऑल इंडिया इंटरेस्ट में भी रखेंगे, वहाँ भी एक खेल उसके रूप में आएगा ताकि बच्चों को उसके कागजात का एक निश्चित रूप से प्रयोग में ला पाए और उनका एक लाभवंत उन खिलाड़ियों को मिले। गेम्स में भी शामिल करें? हाँ स्कूली गेम्स का भी हमारा टारगेट रहेगा लेकिन मुख्य मोटिव हमारा खेल के माध्यम से देश के अंदर एक स्वास्थ्य का फिटनेस प्रोग्राम देना सॉफ्ट हॉकी का एक मुख्य मकसद रहेगा।